नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, भर्ती परीक्षा, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, ICAR, BHU, FO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, एग्रीकल्चर PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पेशल रूप से ये एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइजर के लिए क्लास बनाई जा रही है। तो आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विज्ञान, जिसको प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स कहा जाता है, इस वीडियो को आज हम लेके आए हैं। इसके अंदर 150 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्रीकल्चर TA के एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी होती है आधार बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या मूल केंद्रक बीज। तो आपको बताना है उन्नत बीज की प्रथम क्लास कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर प्रजनक बीज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको ब्रीडर सीड कहा जाता है, याद रखेंगे। फिर सेकंड पर फाउंडेशन आता है, फिर रजिस्टर सीड आता है, फिर सर्टिफाइड सीड आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन से बीजों की थैलों पर टैग नहीं होता, ऐसा बीज बताना है जिसके थैलों पर क्या होता, टैग नहीं लगा होता। प्रमाणित बीज, प्रजनक बीज, पंजीकृत बीज या मूल केंद्रक बीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर बीज जो होते हैं, मूल केंद्रक बीज, इस पर टैग नहीं लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मलस्टर ली लाइन, जो कि फीमेल पेरेंट की तरह काम में ली जाती है, कौन सी लाइन होगी, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन या प्योर लाइन। तो यहाँ बताना है मलस्टर ली लाइन जो कि फीमेल पेरेंट के तरह ही काम में ली जाती है, तो कौन सी लाइन हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लाइन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार। प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के अंतर्गत स्वीकार्य मिलावट की सीमा कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 0.5% या 0 से लेकर 0.75% या 0 से लेकर 1% या 0 से लेकर 1.0%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 0 से लेकर 1%। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर। क्वेश्चन नंबर पाँच आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चावल के प्रमाणीकरण बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी है, 0.1%, 0.05% या 0.75% या 1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 0.1%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छः। प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए, कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1% से अधिक, 5% से अधिक, 10% से अधिक या 15% से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1% से अधिक खरपतवारों का बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर TA की तैयारी करना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे साथ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सफ़ेद रंग का टैग कौन सी श्रेणी के बीज पर लगा होता है, आपको बताना। सफ़ेद रंग का जो टैग लगाया जाता है कौन सी श्रेणी के बीजों पर लगाया जाता है, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आधार बीज पर सफ़ेद रंग के टैग लगाए जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आठ। ये TA एग्जाम के लिए मोस्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर आठ, ये राजस्थान के लिए, जैसे इसका सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य बीज निगम RSESC सामान्य किसानों को कौन से व्यापारिक फसल उगाने हेतु कौन से बीज उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो आपको बताना है राजस्थान राज्य बीज निगम सामान्यतः किसानों को कौन सा व्यापारिक फसल उगाने हेतु बीज उपलब्ध करवाती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज या सभी। तो सामान्य रूप से प्रमाणित बीज का ही प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नौ। उन्नत बीज में कौन सी शुद्धता हमेशा ज़्यादा रहती है, भौतिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता या डोकेज या सभी। तो उन्नत बीजों में किसकी शुद्धता हमेशा ज़्यादा रहती है, तो याद रखेंगे अनुवांशिक शुद्धता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दस। राष्ट्रीय बीज निगम, जिसको NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी, 1966, 1969, 1971 या 1963। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1963 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बीज निगम की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। राजस्थान राज्य में प्रमाणित बीजों का पंजीकरण कौन सी संस्था कराती है,
RSSC, NSC या RSSOCA या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, RSSOCA, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश से रिलेटिव जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बनेंगे, एक वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में रहेगा, ठीक है, तो उसको अलग से हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन सी श्रेणी के बीजों की शुद्धता सबसे अधिक होती है, आधार बीज, प्रमाणित बीज या प्रजनक बीज या मूल केंद्रक बीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल केंद्रक बीज जो होते हैं इनकी शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने का परीक्षण कौन सा है, ठीक है, वायबिलिटी किस टेस्ट से की जाती है, तो आपको बताना है टेट्राजोलियम परीक्षण, पोटेशियम पर मैग्नेट विधि या ग्रोडेक्स परीक्षण या सभी। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, ठीक है, बीजों का जीवन क्षमता जो परीक्षण करते हैं टेट्राजोलियम से भी कर सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट विधि से या ग्रोडेक्स परीक्षण से भी कर सकते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, सीड प्लॉट तकनीक किस फसल से संबंधित है, गन्ना से, तंबाकू से, आलू से या धान से। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये आलू से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, TPS कौन सी फसल से संबंधित है, ठीक है, ट्रू पोटैटो सीड जिसको कहा जाता है, धान, गेहूँ, टमाटर या आलू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, डी हुलूम, TPS, सीड प्लॉट तकनीक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सीड प्लॉट तकनीक, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, स्वपरागित अनाज वाली फसलों में आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर, अनाज वाली फसलों के लिए पूछ रहा है, ठीक है, शुद्ध बीज प्राप्त करना है तो न्यूनतम दूरी कितना रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज वाली जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं 3 मीटर रखा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, प्रजनक बीज जिसको ब्रीडर सीड कहा जाता है इसकी संतति कहलाती है, नाभिकीय बीज, प्रमाणित बीज, आधार बीज या पंजीकृत बीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आधार बीज, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, मूंगफली की प्रमाणित बीज में आवश्यक शुद्धता प्रतिशत कितनी होनी चाहिए, 92, 94, 96 या 98। तो मूंगफली के प्रमाणित बीज में शुद्धता कितने परसेंट होनी चाहिए, तो 96% शुद्धता होनी चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीज की अनुवांशिक शुद्धता के अंतर्गत स्वीकार्य मिलावट की सीमा कितनी है, ठीक है, बीज की अनुवांशिक शुद्धता के अंतर्गत स्वीकार्य मिलावट की सीमा कितने परसेंट है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, 0 से लेकर 0.5%, 0 से लेकर 0.75%, या 0 से लेकर 1%, या 0 से लेकर 0.1%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 0 से लेकर 0.1%, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, साधारणतः बीजों की गुणवत्ता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शुद्धता परीक्षण, अंकुरण प्रतिशत, नमी अंश या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बीजों की गुणवत्ता के लिए सभी के सभी परीक्षण किए जाते हैं, शुद्धता परीक्षण, अंकुरण प्रतिशत या नमी अंश, ठीक है, सभी के सभी देखा जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, बीजों की नमी अंश को मापा जाता है, ठीक है, आपको बताना है बीज के नमी अंश को किससे मापा जाता है, नमी मात्रा के यंत्र से, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से या आवर्धक लेंस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमी मापक यंत्र से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य बीज फार्म परियोजना का शुभारंभ हुआ 1956 से लेकर 57, 1966 से लेकर 67, 1950 से लेकर 51 या 1979 से लेकर 80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956 से लेकर 57, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, संस्थाएं जो उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, कृषि विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं देश में बीज उत्पादन का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय बीज निगम NSC करती है, तथा राज्य में बीज उत्पादन का कार्य राज्य बीज निगम SSC तथा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय पूछा है, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आंसर दीजिए। बाजरे का पौधा है उभयलिंगी है या उभयलिंगाश्रयी है, एकलिंगाश्रयी है या उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, हर्मोफ्लाइट्स है ए ऑप्शन, यानी कि उभयलिंगी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, बीजों के अंकुरण क्षमता की जांच में साधारणतः कितने बीज फैक्ट्री डिश में रखे जाते हैं, 50, 100, 250 या 500। तो बीजों के अंकुरण क्षमता की जांच में साधारणतः कितने बीज पेल्ट्री डिश में रखे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 बीज रखे जाते हैं, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है, 100 बीज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। चावल के प्रमाणीकृत बीजों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत, ठीक है, यहाँ पे पूछा न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होना चाहिए, 60, 70, 80, 90। तो न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत पूछा है चावल के प्रमाणित बीजों का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 80%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर या 10 मीटर। तो गेहूं के प्रमाणीकरण बीज उत्पादन के लिए जो डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है 3 मीटर, ठीक है, अभी पीछे बता चुके हैं कि जितने भी खाद्यान्न वाली फसलें हैं उनके लिए 3 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, कपास के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी, ठीक है, कपास के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन करना है तो उनके लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, पूछा था कपास के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 40 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर रखा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आधार बीज अगर पूछे तो उसके लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर आप याद रखेंगे आधार बीज अगर पूछे तब। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, चावल के प्रमाणित बीज उत्पादन में अवांछित पौधों को निकालना चाहिए फूल आने से पहले, फूल आने पर, पकने पर या सभी स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी स्तर पर निकाल सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फूल आने से पहले भी निकाला जा सकता है, फूल आने के बाद भी, पकने पर भी निकाल सकते हैं अवांछित पौधे, ठीक है, जैसे खरपतवार वगैरह हो गए उनको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बीज अधिनियम को पारित किया गया किस वर्ष, 1952, 1966, 1975 या 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में पारित किया गया था भारतीय बीज निगम, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, चावल में प्रमाणित बीजों के लिए आवश्यक नमी प्रतिशत है 6 से 8, 8 से 10 या 10 से 12 या 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 13%, ठीक है, चावल के अंदर पूछ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टमाटर में बीज निकालने के लिए महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, एसिड या अल्कली या मैनुअल या मशीन एक्सट्रैक्शन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो टमाटर में बीज निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है एसिड के द्वारा निकालते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है चौला जिसको काउपी के नाम से जाना जाता है, इसमें परागण किसके माध्यम से होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, मिश्रित होता है या कोई नहीं। तो चावला के अंदर जो परागण होता है वो होता है स्वपरागण, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ऑर्थोडॉक्स टाइप बीज होते हैं आम में, सिट्रस में, जैक फ्रूट में या टमाटो में। तो ऑर्थोडॉक्स टाइप जो बीज होते हैं वो होते हैं टमाटो में, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, TPS जिसको ट्रू पोटैटो सीड कहा जाता है, इसके लिए उपयुक्त मौसम कौन सा है, अप्रैल मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर या नवंबर दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल मई, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, बीजों के आनुवांशिक शुद्धता के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है। तो बीजों का अगर आनुवांशिक शुद्धता प्राप्त करना है तो कौन सा टेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, टेट्राजोलियम परीक्षण, प्रयोगशाला बीज जाँच परीक्षण या GOT परीक्षण या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, GOT परीक्षण, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38, 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, चावल के प्रमाणित बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी है, 0.1%, 0.05% या 0.75% या 1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों के बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है, अनुवांशिक समान लाइन या अंतर प्रजनन लाइन। चलो अच्छा, दो ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुवांशिकता समान लाइन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकता
अनुवांशिकता समान लाइन, समान लाइन, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करें ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे जंगली दाता स्रोत से संस्थापित प्रजातियों को रोगरोधिता स्थानांतरित करने हेतु प्रजनक विधि कौन सी है? शुद्ध वंशक्रम विधि, वंशावली विधि, प्रतीक संकरण विधि या विपुल विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतीक संकरण विधि। ठीक है, जंगली दाता स्रोत से स्थापित प्रजातियों को रोग रोधिता स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रजनक विधि है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीक संकरण विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए शुद्ध वंशक्रम विकास में, संश्लिष्ट प्रजातियों के विकास में, या मिश्रित प्रजातियों के विकास में, या संकर प्रजातियों के विकास में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकर प्रजातियों के विकास में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। बाजरे में पर परागण होता है, तो बाजरे में कौन सा पर परागण होता है? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन, पुंपूर्वता के कारण, स्त्री पूर्वता के कारण, या क्लिस्टोगेमी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन, स्त्री पूर्वता के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। विक्रम एक संकुल किस्म है, किसकी बताना है? विक्रम संकुल किस्म है, कपास की, ज्वार की, मक्का की, या बाजरे की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मक्का की विक्रम संकुल किस्म है, बहुत बार एग्जाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। कपास में निम्न प्रकार का परागण होता है, कपास के अंदर बताना है किस प्रकार का परागण पाया जाता है? प्राय स्व परागण, पर परागण, या स्व परागण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राय पर परागण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओपन क्रॉस पोलिनेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। हेट्रोब्लेस्टियोसिस में एफ वन का हटाना नापा जाता है मध्य पित्र से, न्यूनतम पित्र से, बेहतर पित्र से, या श्रेष्ठ पित्र से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेहतर पित्र से। ठीक है, हेट्रोब्लेस्टियोसिस एफ वन का हटाना नापा जाता है बेहतर पित्र से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 45। गोसिपियम हिर्सुटम का गुणसूत्र संख्या बताना कितना होता है? 24, 26, 42 या 52? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 52 होता है। क्वेश्चन नंबर 46। अल्पजीनी स्थानांतरण के लिए सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? वंशानुगत पद्धति, या प्रतीक, या पुंज, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रतीक पद्धति। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एफ वन का अप्रभावी समयुग्मनज जनन से क्रॉस करने को क्या कहा जाता है? शीर्ष क्रॉस, प्रतीक क्रॉस, परीक्षण क्रॉस, या एकल क्रॉस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परीक्षण क्रॉस कहते हैं इसको, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, एम स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी के बीच में द्विसंकरण संकरण कराने पर एफ टू पीढ़ी में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एवं स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी का अनुपात क्या होगा? 3:1, 1:1, 1:2, या 9:7? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1:2:1, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। संकर ओज हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था? सल ने, मेंडल ने, जॉनसन ने, या खुराना ने? तो संकर ओज यानी कि हेट्रोसिस जो शब्द दिया था वो सल के द्वारा दिया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। जीनोटाइप, फिनोटाइप एवं जीन शब्द किसके द्वारा दिए गए थे? बैट्सन के द्वारा, मूलर के द्वारा, डार्विन के द्वारा, या जॉनसन के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जॉनसन के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, जॉनसन के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, चाहे फिनोटाइप पूछे, चाहे जीनोटाइप पूछे, चाहे जीन, ये शब्द किनके द्वारा दिए गए थे? जॉनसन के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। दोस्तों यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए के अंदर कैंप सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। एक क्लोन की संतति हमेशा होती है विषम युग्मजी, समयुग्मजी, या विषमांगी, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मजी। ठीक है, हेट्रोजाइगस होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। पौधों की क्षमता जिसके द्वारा कोशिका से पूर्ण पौधा विकसित होता है क्या कहलाती है? समसूत्रण कहलाती है, पूर्ण सक्ता कहलाती है, या रूपांतरण कहलाती है, या कोई नहीं?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टोटी टोटी पोटेंशी कहलाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, नर अभिषेक जनन से उत्पन्न होता है, ठीक है, द्विगुणित चतुर्गुणित या अगुणित या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर, अगुणित, ठीक है, हैप्लॉइड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54, 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ऊतक कल्चर के लिए माध्यम का पीएच मान होना चाहिए 5 से 6, 4 से 6, 7 से 8 या 8 से 10। तो ऊतक कल्चर के लिए मध्यम जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 5 से 6 के बीच में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, पादप पुनरुत्पादन किससे प्रभावित होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, साइटोकाइनिन से, या साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के अंपा से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन के अंपा से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, यदि किसी कोशिका को अति परासरण दाबी घोल में रख दिया जाए तो क्या यह सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे, यथावत रहेंगे या फूट जाएंगे। अगर हाइपरटोनिक घोल में रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये सिकुड़ जाएंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57, 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बीटी जीन किसके विरुद्ध प्रभावी होता है, तो ऑप्शन देखिए, रिपुंज पंखी द्वारा या अर्धपंखी द्वारा कीट या सल्क पंखी कीट या चूषक कीट। तो इसमें सकिंग कीट तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा जो कीट होते हैं वही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, बीटी कॉटन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, टमाटर की अधिक निधानी आयु सेल्फ लाइफ वाली अनुवांशिकत रूपांतरित जीएम किस्म कौन सी है, फ्लोरिडा 1, PKM1 या UC83 या फ्लेवर सेवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लेवर सेवर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, सबसे ज़्यादा समानता होती है एकल संकरण में, द्विसंकरण में, त्रिसंकरण में या बहुसंकरण में। तो सबसे ज़्यादा समानता होती है एकल संकरण में होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60, 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। DJ वोगेन बोनी जीन का स्रोत है, बाजरा, ज्वार या धान या गेहूँ। तो DJ वोगेन जो है बोनी जीन का स्रोत है किसका, ये हो जाएगा धान का, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, प्रथम अंतरापीढ़ी संकरण ब्रेड गेहूं राई में दिया गया है, अनयूड नाइट, मेंडल या डी राइस या रिम्पू। तो ये दिया गया है रिम्पू के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है, प्रथम अंतरापीढ़ी संकरण ब्रेड गेहूं और राई दोनों के बीच में जो रिम्पू के द्वारा दिया गया था ये संकरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, आर लाइनों में होती है, आर लाइनों में क्या होती है, जैनिक नरबंधता या फर्टिलिटी स्टोरिंग जीन। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, फर्टिलिटी स्टोरिंग जीन, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, फर्टिलिटी रेस्टोइंग जीन, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, उद्गम केंद्रों की अवधारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था, उद्गम केंद्रों की अवधारणा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, बेबीलो या बिलमोरिन ने या कूपर ने या नाइट ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेबी लो, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकर टेस्ट क्रॉस है, इसमें से बताना कौन सा टेस्ट क्रॉस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, जीन का पृथक्करण होता है किसी भी पीढ़ी से, या एफ टू पीढ़ी से, या एफ वन पीढ़ी के युग्मक बनने से, या एफ थ्री पीढ़ी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एफ वन पीढ़ी के युग्मक बनने में, ठीक है, जीन का पृथक्करण होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, वंडर वीट गेहूँ की किस्म किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी, IRRI के द्वारा या सिमटी के द्वारा या एक्रीसेट के द्वारा या WARDA के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सिमटी के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67, 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़े आंसर दीजिए। फिनोटाइप जिसको लक्षण प्रारूप कहा जाता है के आधार पर पौधों का चयन कौन से ब्रीडिंग मेथड में किया जाता है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन या क्लोनल सिलेक्शन या बोथ, यानी कि ए और बी दोनों से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मास मास सिलेक्शन, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा उपजीवक होता है? तो इसमें से बताना है पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा उपजीवक होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, या रिकरेंट सिलेक्शन, या क्लोनल सिलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, रिकरेंट सिलेक्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, निम्न में से कौन सा मेथड हाइब्रिडाइजेशन में सम्मिलित नहीं है? तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा मेथड इसमें सम्मिलित नहीं है, बैक क्रॉस मेथड, पेडिग्री मेथड, या म्यूटेशन ब्रीडिंग, या बल्क पेडिग्री मेथड? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है डबल टॉप क्रॉस संकर है ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी ब्रैकेट बंद क्रॉस सी क्रॉस डी, या सी ऑप्शन है ब्रैकेट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या नन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है डबल टॉप क्रॉस इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, अमरूद की किस्म है लखनऊ 45, ठीक है, ब्रीडिंग के कौन से मेथड से डेवलप की गई थी? तो लखनऊ 45 जो किस्म है अमरूद की, तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, कौन से मेथड के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लोन सिलेक्शन, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गोल्डन राइस में अधिकता होती है बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, प्रोटीन, या एंटीऑक्सीडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है गोल्डन राइस में, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें 73, प्रचलित किस्म जिसको पॉपुलर वेराइटी में डिफेक्ट यानी कि दोष कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण ब्रीडिंग मेथड कौन सी है? किसी के अंदर कमी है, दोष है, तो उसको दूर करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण ब्रीडिंग का प्रयोग किया जाता है, बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, या प्योर लाइन मेथड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बैक क्रॉस मेथड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, पॉली एम्ब्रियोनिक पौधे हैं, आपको बताना है कौन से पौधे पॉली एम्ब्रियोनिक हैं जिसको बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन हैं, चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख सकते हैं। पॉली एम्ब्रियोनिक प्लांट पूछा था, आम, नींबू, जामुन, या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉली एम्ब्रियोनिक आम के अंदर पाई जाती है, नींबू के अंदर, और जामुन के, तीनों प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है? स्वपरागित फसल में, परपरागित फसल में, या वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, परपरागित फसल में प्रयोग में लाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्योर लाइन किस्मों के लक्षण क्या है? प्योर लाइन जो किस्म होती हैं उसके लक्षण क्या हैं? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, या हेट्रोजाइगस होमोजीन, या हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, या हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, होमोजाइगस और होमोजीनस, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 76, चीली जिसको मिर्च कहा जाता है, बैगन में परपरागण क्या कारण है? आपको बताना है मिर्च और बैगन में परपरागण का क्या कारण है, मेल स्टेरिलिटी, या प्रोटोएंड्री, या डाइकोगेमी, या सेल्फ इनकम्पेबिलिटी? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाइकोगेमी और प्रोटोगाइनी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, मादा रिप्रोडक्टिव एक मिनट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें से बताना है फीमेल पार्ट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमन है, पिस्टाइल है, या ए और बी दोनों हैं, या दोनों नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, पिस्टाइल। यहाँ पे देख सकते हैं पिस्टाइल ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, तो याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीज रहित तरबूज है, टेट्राप्लॉइड है, या डाइप्लॉइड है, या इनमें से कोई नहीं? तो
तो आपको बताना है बीज रहित जो तरबूज होता है वो होता है ट्राइप्लाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइप्लाइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, थाइमिडीन है क्या है, प्यूरीन है, पिरिमिडीन है, या न्यूक्लियोसाइड्स है, या न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पिरिमिडीन, ठीक है। थाइमिडीन क्या है, पिरिमिडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 80, आरएनए पॉलीमरेज किसमें सम्मिलित होता है, रेप्लिकेशन में, ट्रांसफिकेशन में, ट्रांसलेशन में, या लाइगेशन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, ट्राइटरपीन या आइसोपेरीन निम्न संख्या में बनती हैं, कितनी संख्या में बनती हैं ये, 3, 6, 9 या 12। तो इनकी संख्या बनती है 6, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82, 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा क्षारक आरएनए में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल या गवानिन। तो इन चारों में से बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेसिल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 83, कोशिका द्रव्य कारकों की वंशगति द्वारा होता है, मादा जनन, मादा और नर जनन, नर जनन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मादा जनन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, डिप्टेरॉन कीटों के सेल्वरी ग्रंथि में बहुपट्टी गुणसूत्रों को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था, स्ट्रास बार्गर के द्वारा, या वाल्डेयर के द्वारा, या बाल्बी आनी के द्वारा, या डार्लिंगटन के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, बाल्बी आनी के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर, क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक के अलावा आरएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, गॉल्जी बॉडीज में, या राइबोसोम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, एमआरएनए में प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, या अनुवादकरण कहलाता है, या ट्रांसडक्शन कहलाता है, या ट्रांसफेक्शन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवादकरण कहलाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, अनुवांशिकी पदार्थ का सबसे छोटा खंड जो कि उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है, रिकोन, सिस्ट्रोन, म्यूटोन या एक्सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, म्यूटोन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर है, एकाधिक सूत्री में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, ट्राइसोमिक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n = 1, 2n = +2, 2n + 1, या 2n + 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2n + 1, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अणु में एडिनिन और थाइमिन क्षार जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है अणु के अंदर एडिनिन और थाइमिन क्षार जो जुड़े होते हैं कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में एंटीजन होता है, ए प्लस बी बोथ, ए एंटीजन, बी एंटीजन, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में एंटीजन होते हैं, ए प्लस बी दोनों ही रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91, 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ देखेंगे स्यूडो यूरेसिल किस में घटित होता है, आरएनए में, टीआरएनए में, एमआरएनए में, या सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्यूडो यूरेसिल सभी में घटित होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 92, डीएनए का एडिनिन निम्नलिखित में, निम्नलिखित के साथ समग्राम आणविक होता है, यूराइडिन, थाइमिन, गवानिन, या साइटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, थाइमिन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, आसान क्वेश्चन है, बीट कॉटन जिसको कपास के अंदर होता है, ठीक है, बीटी का उद्भव कहाँ से हुआ है, बेटर तकनीक से, या बीटा तकनीक से, या सर्वोत्तम ट्रांसजेनिक से, या बेसलस थोरिजेंसिस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, इसका नाम ही होता है बीटी का बेसलस थोरिजेंसिस, ठीक है, एक प्रकार का जीन होता है जिस कपास के अंदर ट्रांसफर किया गया, जिसको जिसके अंदर गुलाबी सूंडी जो कीट लगता है वो नहीं लगता है, जिसको पिंक बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रथम मानव रचित धान्य फसल कौन सी है? सिकेल सीरियल्स, टेट्रिकेल या टेट्रिकेल स्टाइवम, या इनमें से कोई नहीं? तो टेट्रिकम स्टाइवम होगा नहीं, या सिकेल सीरियल्स ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टेट्रिकेल। ठीक है, प्रथम मानव रचित धान्य फसल है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। एक उत्परिवर्तन जो कि उत्परिवर्तन धारण करने वाले 50% से अधिक पौधों को मार देता है, लीथल उत्परिवर्तन, सब लीथल उत्परिवर्तन। चलो दो ही ऑप्शन में से बताइए, लीथल उत्परिवर्तन या सब लीथल उत्परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीथल उत्परिवर्तन ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 स्क्रीन पर आ चुका है। किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री फर्स्ट में। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें 97। भारत का सबसे पहला गामा गार्डन कहाँ बनाया गया? कोलकाता में, नई दिल्ली में, ट्रांपे में, या जयपुर में? तो भारत का सबसे पहला गामा गार्डन जो है ये कहाँ पर बनाया गया, ये हो जाएगा यहाँ कलकत्ता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1959 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। किस कंपनी ने पहली ट्रांसजेनिक कपास विकसित की थी? मोनसेंटो ने, या पायनियर ने, या माइक्रो ने, या प्रो एग्रो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनसेंटो ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जब विविध मूल के प्रोटोप्लास्ट को एक साथ मिलाया जाता है तब वे विषम केंद्रक उत्पन्न करते हैं, तथा इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? कायकीय संकरण, दूर संकरण, या पुनरुत्थान, या प्रोटोप्लास्ट विलयन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटोप्लास्ट विलयन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100। डीएनए और जीव आकार के टुकड़ों में काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली आणविक कैंची होती है लाइगेस की, या ट्रांसपोसेंस, या रजिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस, या डीएनए पॉलीमरेज? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। डीएनए और डीएनए संकरण तकनीक किसने स्थापित की थी? वाटसन ने, संदर्भ ने, या क्रिक ने, या मैन्युएचलिंग ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, संदर्भ ने, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102। 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रिपल फ्यूजन में एक नर बीजाणु का निषेचन निम्न के साथ होता है, मादा बीजाणु, एक द्वितीय केंद्रक, दो द्वितीय केंद्रक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दो द्वितीय केंद्रक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। टेट्राड की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु द्वारा, लघु बीजाणु द्वारा, निषेचन द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गुरु बीजाणु द्वारा होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। एक बीजपत्री स्तंभ पाए जाते हैं, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम पाए जाते हैं मक्का में, सूर्यमुखी में, या कुकुरबिट में, या सरसों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का के अंदर मोनोकॉट स्टेम पाए जाते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105। 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कैक्टस एक रूपांतरित रूप है, जड़ का, तने का, पत्ती का, उपरोक्त सभी का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, तने का। कैक्टस एक प्रकार का तने का रूपांतरण होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत दिया था, तो बताना है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत किसके किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। डार्विन ने, लेमार्क, या बेंथम और हुकर ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। कोशिका की सभी जीवंत क्रियाएं संचालित होती हैं डीएनए द्वारा, आरएनए द्वारा, प्रोटीन द्वारा, या उपरोक्त में से सभी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सभी के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। शकरकंद एक रूपांतरित रूप है जड़ का, तने का, पत्ती का, या पुष्प क्रम का? तो शकरकंद एक रूपांतरित रूप होता किसका? जड़ का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। अधिकांश पादप जीवाणुओं में अनुवांशिक द्रव्य होता है क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए, या राइबोसोम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आरएनए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूपी अनुपात को 15:1 में बदल देने वाली जीन अनियोन क्रिया होती है पूरक होती है, द्विक होती है, संपूरक होती है, या निरोधी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
ठीक है, द्विक होते हैं, डुप्लीकेट होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, 111 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय टुकड़ों को अदला बदली को क्या कहा जाता है, विनिमय कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं, या इन्वर्जन कहते हैं, या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र के अंतिम सिरे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेटेलाइट कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहता है, टेलोमियर कहते हैं, या क्रोमोमियर कहा जाता है। तो गुणसूत्र के अंतिम सिरे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टेलोमियर कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, एक असुगणित जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n प्लस 1 प्लस 1 हो क्या कहलाता है, टेट्रासोमिक कहलाता है, डबल मोनोसोमिक कहलाता है, या डबल ट्रांसोमिक कहलाता है, या नलिसोमिक कहलाता है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा डबल ट्रांसोमिक कहलाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है, चर्बी का, स्टार्च का, प्रोटीन का, या तेल का। तो राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, मटर में कितने सहलग्नता समूह होते हैं, 14, 10, 7 या 20। तो मटर के अंदर जो सहलग्नता समूह होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, एक लक्षण जो बहुत से जीनों द्वारा निर्धारित हो तथा इसमें सतत विविधता पाई जाए क्या कहलाता है, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुण, या प्रभावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर, क्वेश्चन नंबर 117 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आरएनए में निम्नलिखित में से किस बेस के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, या थायमिन। तो आरएनए में किसके स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थायमिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे अधिक पाया जाता है, गाजर में, भिंडी में, बैगन में, या गोभी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मॉर्गन, मेंडल, या ब्रिजिंस, या बर्बरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, बर्बरा ने, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, ग्रेगर मेंडल, फ्रियर, या यन बोरलॉग, या यम एन स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहा जाता है, रूपांतरण, क्लोनिंग, या टोटिपोटेंसी, या उत्परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है, उत्परिवर्तन, रूपांतरण, क्लोनिंग, या लिंकेज। तो कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद माना गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, सहलग्न शब्द का प्रयोग पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, बर्बरा द्वारा, जेम्स के द्वारा, या थॉम्सन, या एच मूलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, थॉम्सन हंट मॉर्गन, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वंशागति के इकाई है, आपको बताना वंशागति की इकाई क्या है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो वंशागति की इकाई कहलाती है जीन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125, बर्बरा मैक्लिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, मटर, मक्का, गेहूँ, या चावल। तो बर्बरा जो हैं ये मक्का के पौधे पर प्रयोग किए थे, कार्य किए थे, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, इसमें विपराय लक्षण उपस्थित थे, या इनका आर्थिक महत्व तो अधिक था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विपरीत लक्षण पाए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा लक्षण देखने को मिले थे, इसलिए उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधों का ही चयन किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है 9:3:1, 3:1, या 1:1, या 2:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3:1, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोनोहाइब्रिड अनुपात पूछा था, 3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 128, जीन्स बने होते हैं आरएनए के, डीएनए के, आरएनए के, या ए और बी दोनों, या प्रोटीन के। तो
तो यहाँ पर पूछा है जीन किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए के बने होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबल पुरस्कार किसको मिला था, कार्लबर्ग को, ओकोवा को, या खुराना या निरेनबर्ग को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्लबर्ग को, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130, गेहूं में बॉनी जीन का स्रोत क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना गेहूं में बॉनी जीन का स्रोत क्या है, ऑप्शन चल के देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, नोरेंटेन, टिफ्ट 23A, कबीर 66, या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं के लिए बॉनी जो प्रजाति थी नोरेंटेन थी, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, रेस्टोरर जीन उपस्थित होते हैं, आपको बताना है रेस्टोरर जो जीन होते हैं उपस्थित होते हैं कहाँ पर, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, केंद्रक में होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। जीवन का भौतिक आधार है, बताना है जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, गुणसूत्रों की संख्या घटाकर आधी रह जाती है किसमें, यह आपको बताना है आर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट में, आर्धसूत्र विभाजन सेकंड, या समसूत्र विभाजन फर्स्ट, या समसूत्र विभाजन सेकंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक किया गया था, ठीक है, आपको बताना है न्यूक्लिक जो अम्ल है सबसे पहले अलग किससे किया गया था, अल्टमान ने किया था, वाटसन और क्रिक ने, या माइसर ने, या मॉर्गन ने, तो किसके द्वारा अलग किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, माइसर ने अलग किया था न्यूक्लिक अम्ल को, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में समानता मादाएं होती हैं, ठीक है, मनुष्यों में समानता मादाएं होती हैं, समयुग्मता लिंगी, विषम युग्मता लिंगी, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समयुग्मता लिंगी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136, कोशिका की सबसे बड़ा अंग बताना है कौन सा है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, या गॉल्जी कॉय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, मेंडल बहुज्ञाता था, जीव विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, या गणितज्ञ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है, मेंडल बहुज्ञाता थे गणित के, बी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138, होलेंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं एक्स गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर, या ऑटोसोम पर, या सभी पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, वाई गुणसूत्र पर होलेंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149, 149 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट जीन प्रथम बार रिपोर्ट किसमें की गई थी, ड्रोसोफिला में, मटर में, या चिकन्स में, या सभी में, तो स्प्लिट जीन के बारे में बताना है सबसे पहले रिपोर्ट किसके अंदर की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकन्स के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन है, हेबरलैंट है, या थियोफ्रेटस है, या मेंडल, या अरिस्टोल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेबरलैंट, ठीक है, इनको हेबरलैंट को कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की मानव में खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है ये मानव में किसके द्वारा खोज की गई थी, लेंडरस्टेन के, ओविवर के, ग्रेन के, या ब्रिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, लेंडरस्टेनर के द्वारा खोज की गई थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, प्यूरीन बहुलक पाया जाता है, तो प्यूरीन बहुलक किस में पाया जाता है, सिंगल रिंग में, डबल रिंग में, या ट्रिपल रिंग में, या किसी में नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डबल रिंग में। क्वेश्चन नंबर 143, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, G1 अवस्था, G2 अवस्था, यस अवस्था, या कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यस अवस्था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, डीएनए, टीएनटीपी, या एडीपी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, डीएनए, गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए। क्वेश्चन नंबर 145, जब किसी अंतर प्रजात के मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संकरण का प्रयोग किया जाता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, या डबल क्रॉस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, तो
पावर हाउस किसको कहा जाता है, कोशिका का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन नंबर 147, ऑस्मोसिस की खोज की थी, ठीक है, आपको बताना ऑस्मोसिस की खोज किसके द्वारा खोज की गई थी। ऑप्शन चल के देख लेते हैं, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, सेस ने, फफर ने, या नोलेट ने, या ट्रांसफर बर्गर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेस ने, ठीक है। ऑस्मोसिस की खोज किसने की थी, सेस ने की थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148, स्वच्छतम आरएनए है, ठीक है, सबसे स्मॉल आरएनए कौन सा है, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, या जेनेटिक आरएनए, तो सबसे छोटा आरएनए पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमआरएनए, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।